अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं, आप देख सकते हैं, सैसी कैटल फार्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरा छोटा भाई, आपको पता है, वीडियोस करता रहता है। आज अली सैसी जो है मुझे भी लेकर आया है और बोला तुम्हारी भाई आए देखें तो ज़रा विजिट के लिए आए हैं। मैं भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या सिलसिला है और किस तरीके से, और जो पहली मरतबा देख रहे होंगे मेरे चैनल के थ्रू तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कैटल के हवाले से, पलाई के हवाले से इनसे रब्ता करना चाहेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अच्छा दोस्तों भाई, ये बच्ची, इसके घर तो मैं जाके देखने से रहा और मैं यहाँ पर आके इसको देख रहा हूँ। ये मैं अपने छोटे भाई का जिक्र ये कर रहा था भाई, शामिर यहाँ पर वीडियोस करता रहता है और इसने अपनी, ये क्या नाम था, हीर हीर, हीर और इसकी माँ को जो है ना शामिर ने यहाँ भिजवाया है। मैंने पता चला मानी भाई आ रहे हैं, मैंने कहा पहले मानी भाई देख ले। अच्छा भाई शामिर, माशाल्लाह आप तो वीडियोस करते रहते हैं, बाकी एक अली को बुलाते हैं और जरा मैं यहाँ से एक ओवर लुक दे दूँ भाई पूरे फार्म का। और यहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं भाई, तो इंशाल्लाह मुलाकात कराते हैं उनका भी, यहाँ पे जानवर है। और ये भाई सही है ना, यहाँ पे ये बकरों का सेटअप है, सामने भी बकरों का सेटअप है, ये कैटल का है, खुल्ली पूरी बनी हुई है। और जो है ना ये अली को बुलाते हैं और अली से जो है ना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और बाकी ये के पूछ लेते हैं क्या सिलसिला है, थोड़ा विजिट करवा दे। अली सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? ये अली सैसी हैं और ऑनर हैं सैसी कैटल फार्म के। भाई अली ज़रा अपने तौर पे बताएं, फार्म कितना उस पर है, कहाँ की लोकेशन है और किस तरीके से काम की नई आबादी कहलाती है जगह, सही है। और यहाँ पे हमारा फार्म जो है वो 1 एकड़ पे बना हुआ है, सही। उससे आगे हमारी फसल जो है वो तकरीबन 7 एकड़ पर है माशाल्लाह, जिसमें हम अपना ग्रीन फाउडर खुद उगाते हैं। सही सही सही, और इसीलिए कोशिश अपने माल को भी सही सस्ती पलाई का, आपको जो एक मैं देख ही रहा था कि आप माशाल्लाह सस्ती पलाई का करते हैं ऑफर, तो वो बेसिकली अपने, और ये भी अच्छी बात है कि चलो और ऑर्गेनिक और ज्यादा हाइजेनिक जो है ना वो चीज इंशाल्लाह आप तैयार करोगे। तो अली मुझे ये बताओ, बकरों में पलाई कितने अभी आ गए हैं और बकरों में अवेलेबल है अभी भी पलाई या क्या? अच्छा, क्या बकरों की जगह हमारे पास तकरीबन फुल है, सही है। जो भी बकरा आता है वो आखिरी की जो कुछ स्लॉट्स बची हुई, क्योंकि कुछ प्री बकरे भी आने, सही। तो 5000 पर मंथ वाली जो स्लॉट्स हैं वो अभी हमारी खुली हुई है, वो भी बहुत लिमिटेड है, सही। लिमिटेड में आपको बताता हूँ, 5-6 सही सही सही, चलें वो देख लेंगे इंशाल्लाह। बकरों की पलाई भी हो रही है। अच्छा कैटल के हवाले से जरा बताओ, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से लेके वो माशाल्लाह वो इतना दूर तक जो है ना वो खूंटे खूंटे बने शेड, इंशाल्लाह आप बता रहे थे कि बनने वाला है इंशाल्लाह। तो कैटल के अंदर कितनी हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल है? कैटल के अंदर तो हमारे पास अभी आराम से अराउंड 50 जानवर और आ जाएंगे। सही सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजिर में हमारे पास कोई 22 सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी कोई अवेलेबल हैं फॉर सेल के जानवर? जी अवेलेबल फॉर सेल के भी हैं, 3-4 जानवर हैं। सही है, सही सही, चले मैं अब वो भी दिखाता हूँ। और दूसरा ये है कि बाकी जानवर भी देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे बंदे हैं बड़े बछड़े, वहाँ बंदे हैं, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो बछड़ियाँ और जो है ना गायें वगैरह ब्रीडिंग के तौर पे भी, और इसकी हीर की माँ भी यहाँ पे ही बंदी है भाई। चले बछड़े देखते हैं जो अवेलेबल फॉर सेल है, बाकी की बातें आगे करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों भाई, पहला बछड़ा माशाल्लाह देख सकते हैं, हाइड्रेट लाल नुकरा ज़बरदस्त करके जो है ना, अच्छी उठान वाला और फ्रेम वगैरह का। आप चेहरा इस तरफ करना थोड़ा अली, क्या इसके दांत वगैरह में क्या हुआ है? ये हमारा सकब है, इसके अभी दांत निकल रहे हैं, ठीक है। अभी इसने कुछ टाइम पहले तोड़े थे और माशाल्लाह से ये 11 से 12 मंथ लाइफ वेट में खड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाप झालर भी सही है, ज़रा पास से जाके दाँत खुलिएगा, हाइट तो काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, बच्चे की दो दांत निकाल रहा है भाई, ये देख सकते हैं। और आगे लेके जाके घुमा के लाइएगा, तो उस तरफ से पीछे से भी देख लेते हैं भाई बैक कैसी है, ठीक है। हाँ तो ये अवेलेबल है। अच्छा कोई लेके अगर खरीद के लेके जाना चाहे तो ऑप्शन है ये, सही है भाई, यहाँ पलवाना चाहे। अच्छा वैसे चलो ये भी सवाल हो जाएगा, इस तरीके जैसे ये 11, 11.5, 12 मन का जानवर है, इस तरीके के जानवर की क्या पलाई आप पर मंथ लोगे? ये 25 to 26 thousand, सही इसकी पलाई होगी, सही है। 25,000 भाई पर मंथ चार्जेस हैं। ये एक रखवाने वालों के लिए भी हो जाएगा, भाई इस तरीके का जानवर आप रखवाना चाह रहे हैं तो 25,000 की पलाई में वो इंशाल्लाह सैसी कैटल फार्म पे रख लेंगे। चले बछड़ा दूसरा मंगवाते हैं और इसके हवाले से आप व्हाट्सएप वगैरह पर रब्ता कर सकते हैं बाकी की डिटेल। चले दोस्तों भाई, सेकंड बछड़ा आ गया है और माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत सा प्रिंट है और चीना प्रिंट, अलग प्रिंट माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सा है चोलिस्तानी बच्चा, नाप झलर भरपूर है। दांतों में है ये या?
इसने अभी तक दांत तोड़े नहीं है, झेरी मार चुका है, इंशाल्लाह अच्छी झेरी मार चुका है, दांत कर दिया, यानी एक आध महीने की बात है। सही, रमजानों में दो दांत हो रहा होगा तो ये भी अच्छी बात है, फिर ईद तक इंशाल्लाह दो ही रहेगा। वो भी बछड़ा वैसे देखा जाए तो जो नुकरा था वो भी दो रहेगा, काफी अच्छा भरा हुआ बछड़ा है, तकरीबन ये भी अराउंड कोई 10 मंथ तो होगा इंशाल्लाह। सही सही सही, आगे से लेकर आइएगा सामने से, तो पीछे से भी देख लेते हैं। हाँ माशाल्लाह बड़ा प्यारे फेस का है, थोड़ा सा जो है ना असल में इसकी नथ जो है ना काफ़ी अभी मतलब लेटेस्ट डली है तो उसकी उसमें तकलीफ में है ना, इस वजह से माशाल्लाह कमर देख सकते हैं आप, घुमाना उस तरफ लेके जाओ माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों ये देख सकते हैं भाई बैग भी माशाल्लाह, और सही अच्छा भरा हुआ लेके घुमाइएगा इस तरफ से। हाँ बछड़ा असल में जो है ना वो नथ की वजह से इरीटेट हो रहा है उसको, उसमें ऑब्वियसली तो अच्छे उसका है माशाल्लाह, डीन डोल अच्छा है, चले माशाल्लाह माशाल्लाह नेक्स्ट मंगवाते हैं। अच्छा दोस्तों भाई माशाल्लाह क्या खूबसूरत सी जो है ना एक बच्ची ये अवेलेबल भाई है, फॉर सेल है, नाव चलर माशाल्लाह, क्या एज है इसकी अली? ये भी 7 से 8 महीने की। सही 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी बच्ची है यार, बड़ा प्यारा सामने से लेकर आना दोस्त, बहुत खूबसूरत ये देखें प्रिंट है माशाल्लाह माशाल्लाह। रुको रुको नाव चादर झालर पे हाथ लगाओ माशाल्लाह, ये देख अच्छी माशाल्लाह जो है ना उसकी झालर वगैरह है। सही बच्ची बड़ी प्यारी है, तो इसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं भाई अली से, बहुत खूबसूरत प्रिंट में है, गुलाबी नाक में है, जल्द भी आएगा गुलाबी खुर वगैरह भी सारे गुलाबी है माशाल्लाह खूबसूरत। उस तरफ घुमा के खड़ा करो, दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं सेम है। हाँ तकरीबन सेम ही प्रिंट है माशाल्लाह। सही सही चले अब जो है बाकी की बातें और मजीद करते हैं, और जरा इसके हवाले से ऐसे जानवरों के हवाले से अली से पूछते हैं भाई कि उनकी पलाई के क्या रेट्स हैं। अच्छा भाई जानवरों के हमने पलाई का हवाले बोला था, और यहाँ पे कुछ जो है ना ये आप लोग पूछ रहे थे ना मरजान और कैस्पर कहाँ गए कुछ दिन के लिए आए थे भाई, ये माशाल्लाह मुझे ये याद नहीं एग्जैक्टली कि इसमें से मरजान कौन सा है कैस्पर कौन सा है। उसामा भाई इंशाल्लाह आएंगे तो उनका अभी तो आए नहीं है रस्ते में, ये मरजान है ये वाला भाई मरजान है, और पीछे जो है वो कैस्पर है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर लगे और माशाल्लाह। अच्छा इस टाइप के जो ये बच्चे जो बंदे हैं इस टाइप के बच्चों की क्या पलाई आप चार्ज कर रहे हैं? ये जो है जो इधर दो बंदे हैं जी 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 ये थोड़े इनसे भारी हैं, ये हमारे पास 15,000 रुपए की पलाई सही है, और जो इधर खड़े हैं ये 10 और 12,000 रुपए 10,000 12,000 ये उनकी पलाई पर। तो वो जैसे जैसे वो जानवर ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे पलाई अपडेट होती जाएगी। अच्छा ये एक बच्चा माशाल्लाह बड़ा गोल मटोल सा दिख रहा है, ये इसके हवाले से ऐसे ये भी वही 25,000 वाली पलाई पर है? ये 20,000 वाली पर, ये हमारे पास 18,000 की पलाई पर आया था। अच्छा अच्छा पहले सही, अब ये मेरा अपना पर्सनल कुर्बानी का जाता। अच्छा 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 सही, इस पे कोई रेट नहीं है। सही से नहीं, लेकिन अगर अंदाजन जैसे ये जो बछड़े हैं इस टाइप के वाली पलाई पर ये तीनों। सही सही सही, ये तो मैंने फॉर सेल वाले उसमें दिखाया भाई, अच्छे बच्चे हैं ये भी, तो मतलब 15 से लेके यानी 10-15 जो भी छोटे जितने भी हैं उस हिसाब से चार्जेस हैं, तो जो बड़ा है उनके बताया भाई 25,000 के हिसाब से पलाई है। और बकरों के हवाले से जरा बताओ, वो तो आपने बदल के बताया 5,000 के हिसाब से वो है पलाई। अच्छा अली यहाँ पे ये बछड़ियों पे पार्टीशन है और माशाल्लाह अच्छा ये भी कलेक्शन है, बाकी ये गाय वगैरह भी है तो क्या पलाई पे गाय भी लेते हो? जी जी गाय पे गाय भी लेते हैं, पलाई पे शामिर की गाय खड़ी हुई है ये। सही सही ये वाली है ना वो शामिर की अम्मा, माशाल्लाह यार ये भी बड़ी प्यारी सी है। और अच्छा गायों की क्या पलाई है, या ये भी कोई साइज के एतबार है या कोई? 15 से 16,000 रुपए। अच्छा 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 पर मंथ इनका 15 से 16,000 रुपए। ये बड़ी खूबसूरत सी गाय बंदी है यहाँ पर, तो भाई गाय बकरे बकरियों के तो आप बता रहे हो आप खत्म कर दिए, बकरियों की पलाई अभी फिर फिलहाल जो है वो ऑफ हुई है, तो ये सीन है भाई छोटे कैटल भी बड़े भी, तो आप इनके हवाले से रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बछड़ी है। तो ये तो पलाई पर है, तो ये माल हो गया, थोड़ा सा जो है ना बकरों की तरफ चल लेते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो बकरे पलाई पर हैं और अली ने बताया, अली ये बकरे पलाई पे 5,000 वाली पलाई पे तो नहीं है ना, ये कौन सी वाली पलाई पर? 2,000 रुपए की पलाई पर है। अच्छा 2,000 भी पलाई पर होता है भाई, अच्छा बड़ा वाला सही ये वाली। अच्छा मतलब ये वो जो हैं जो आपके मतलब लो रेंज वाले भी रखवाने के जो थे, बट अभी आप कह रहे हो जो अवेलेबल पलाई है वो 5,000 वाले स्लॉट जो है ना अवेलेबल है, तो ये सीन है भाई देखते हैं। अच्छा दोस्तों भाई ये खुला हुआ है कैस्पर, और आप लोगों को पता है कैस्पर और मरजान यहाँ पर उसामा भाई के पल रहे हैं, और यहाँ खड़े हैं भाई ये अयान भाई। उसामा भाई रास्ते में हैं या पता नहीं फंस गए हैं कहीं काम से, तो अयान भाई पहुँच गए थे। अयान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अयान भाई कैसा चल रहा है सैसी कैटल फार्म पे आपका शौक?
शौक तो माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, जो इनकी क्या कहते हैं पलाई वगैरह है और जो इनकी प्राइसिंग वगैरह है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। सही। इसके अंदर जो फर्क वगैरह भी है माशाल्लाह से अच्छा आ रहा है। सही सही सही। हम तो सेटिस्फाई हैं आप पलाई के थ्रू? जी बिल्कुल, पलाई के हिसाब से तो सेटिस्फाइड है। सही सही माशाल्लाह। झालर वगैरह बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई। हाँ भाई का कलेक्शन जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह आधे कराची के फार्म से जो है ना घूम रहा है। अल्लाह पाक और बरकत दे भाई। बाकी एक बच्चा ये माशाल्लाह यार, ये मतलब भरपूर जो है ना खूबसूरती एंड है यार, ऐसी चीजें जो है ना वो रखी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी अम्माएं हमारे फार्म पर है और इंसेमिनेट जो है ना मामला है उनके, खैर माशाल्लाह। लेकिन मैं भी अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना यार, मैंने जब मेरे फार्म पे दो चार दिन रुके थे ना ये, उसकी नस्बत और अब जब मैं आगे देख रहा हूँ ना यार, काफी फर्क में दिख रहे हैं बच्चों में। अच्छे माशाल्लाह जान पकड़ी है, और ऐसा नहीं है कि वही के वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आया मैं समझता हूँ देखने वाले। हाँ ये हाइट वगैरह पे अच्छी लेंथ कर रहा है, देखने वाले भी बताएंगे, क्योंकि जब वो अनलोड हुए थे तो बहुत छोटे छोटे थे, सूखे सूखे से आए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और ये है कि भाई आप लोगों को भी यहाँ का रेफरेंस का अंदाजा हो जाएगा कि वो बच्चे आपने पहले देखे हुए थे, तो ये सीन है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये भागने की कोशिश, खैर बहरहाल रस्सी निकाल ली और ये रस्सी इसने नहीं निकाल पाया, बहरहाल चले भाई। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग विजिट करेंगे, फार्म की लोकेशन मौजूद है गूगल मैप पे सैसी कैटल फार्म के नाम से, और यहाँ पर आए देखें अगर इत्मीनान करना है। बाकी एक के ऑन व्हाट्सएप या कॉल्स पे ना आप अली से रابطہ भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को बकरों के हवाले से, बकरियों के हवाले से और कैटल के हवाले से, और बल्कि ब्रीडिंग के हवाले से भी आप यहाँ पर अपना जानवर रखवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।